नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू सूर्यपानी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट मेट्रो हॉस्पिटल नोएडा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम एक यूनिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, वो है कोरोना पेंडेमिक। कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जिनकी प्रेगनेंसी जिनकी डिलीवरीज होने वाली हैं और जो डिलीवर कर चुकी हैं, उनको किन विशेष बातों का ध्यान रखना है और उनको किस तरह से इस इन्फेक्शन से बचना है, आज मैं उस बारे में आपको जानकारी दूंगी। इसके दौरान आप ही के सवालों का जवाब मैं देना चाहूंगी जो कि आपके द्वारा पूछे जाते हैं। मैडम, अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कोरोना इन्फेक्शन मुझे ज़्यादा हो सकता है? तो मैं बताना चाहूंगी कि जहाँ तक जो रिसर्च हुई है, अभी तक ये जाना गया है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में इन्फेक्शन होने का खतरा उतना ही है जितना कि आम और महिलाओं में होता है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसमें एक चेंजेस होता है आपका इम्यून सिस्टम। आपके इम्यून सिस्टम में जो चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से इस में वायरल इन्फेक्शन जब भी आपको होता है कभी प्रेग्नेंट लेडीज़ में, उसमें वो सिम्टम सीवियर हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ एक बात बताना चाहूँगी कि आपको इस इन्फेक्शन से बचना है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम इस इन्फेक्शन से कैसे बचें? हमें तो चेकअप के लिए भी जाना होता है। आपको यहाँ एक ही बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक चल रही है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो आप अपने रूटीन चेकअप को दो से तीन हफ्ते तक पोस्टपोन भी कर सकती हैं। अगर आप वर्किंग हैं तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन ऑप्ट करें। अगर आप घर से काम करती हैं, आप चेकअप के लिए नहीं निकलती हैं, तो उसमें आपका जो संक्रमण होने के चांस कम हो जाते हैं। बेसिक हमारा एम होता है कि आप मिनिमम से मिनिमम लोगों के कांटेक्ट में आएं, और जिससे कि आप संक्रमण से बच सकें। ऐसे में अगर बहुत आवश्यक है तभी आप घर से बाहर निकलिए, और इसमें जब कभी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप टेली कंसल्टेशन ले सकती हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकती हैं, जिससे कि डॉक्टर आपको उस पर सही सलाह देंगे और आप अपना इलाज ले सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको जैसे कई परेशानियां होती हैं, जैसे कि आपको लेबर पेन स्टार्ट हो गए हैं, ब्लीडिंग हो जाती है, या कभी बच्चा कम घूमता है, तब आप अवश्य अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि ऐसे में आपको घर पर नहीं रहना है और डॉक्टर की सलाह पर ही आप हॉस्पिटल जाइए। यदि मैं आप महिलाओं को ये बताना चाहूँगी कि निकट भविष्य में अगर 7 to 8 days में अगर आपकी प्रेगनेंसी ड्यू है, तो आप अवश्य अपने डॉक्टर से मिलिए, जिससे वो आपकी डिलीवरी प्लान्ड वे में करा सकें, आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन का सामना ना करना पड़े इस कोरोना पेंडेमिक के दौरान। फिर हम सभी जानते हैं कि माँ बनना एक बहुत ही सौभाग्य की बात होती है, और माँ को हमेशा चिंता रहती है अपने बच्चे की। आपके हमेशा हमारे पास सवाल होते हैं कि अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मेरे बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें बहुत अच्छी बात एक निकल के आई है कि अभी तक हमारे पास जो स्टडीज़ आई हैं, उसमें माँ से बच्चे को संक्रमण नहीं देखा गया है, जिसको कि हम वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, वो कि कोरोना वायरस के केसेस में अभी तक कोई पुख्ता स्पष्टीकरण हमें नहीं मिला है। तो और कोई जन्मजात विकृति, जिसको कि हम बोलते हैं कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, वो भी अभी तक हमने नहीं देखा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो महिलाएं की डिलीवरीज़ हो चुकी हैं और अगर हमें लगता है कि उनमें कोरोना वायरस का संक्रमण है, तो उनको डेफिनेटली बच्चे को इन्फेक्शन से बचाना होगा। बच्चे को माँ से 1 meter की दूरी पर रखिए। आपके घर में जो सदस्य कोरोना संक्रमण से ग्रसित नहीं है, वही बच्चे की देखरेख करें। और जब दूध पिलाना हो, ब्रेस्ट फीडिंग अनदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। कई महिलाओं के दिमाग में रहता है कि अगर मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया तो मैं मेरे बच्चे को दूध नहीं पिला पाऊंगी। दूध पिला सकती हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है, आप दूध पिला सकती हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण ब्रेस्ट मिल्क में नहीं देखा गया है। आप ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं, लेकिन डेफिनेटली जब आप ब्रेस्ट फीड कराएंगी तो आपको कुछ सावधानियाँ लेनी होगी, जो कि जैसा कि हर जब भी आप बच्चे को छुएं, अपने हाथ को सैनिटाइजर से क्लीन करिए, मास्क का उपयोग करना है, और बच्चे को फीड कराने के बाद आपको अब जो भी सदस्य
संक्रमित नहीं है वही बच्चे की देखरेख करें। जब आप इस संक्रमण से मुक्त हो जाएंगी आप पूरी तरह अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं। अब आती है बात, मैम अगर मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्शन है तो मेरी तो ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी, यह नहीं। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी, कोरोना वायरस इन्फेक्शन इज द नॉट इंडिकेशन फॉर द सिजेरियन डिलीवरी। हम उन्हीं के केसेस में डिलीवरीज कर रहे हैं और ऑपरेशन से जिनमें कि जो क्लियर कट इंडिकेशन होता है, यदि माँ की कोई स्थिति ऐसी है या बच्चे की कोई स्थिति है जो पहले के किए जा रहे थे उसी इंडिकेशन में अभी भी ऑपरेशन हो रहे हैं। लेकिन अगर हाँ ऑपरेशन इतना, अगर आपका इन्फेक्शन इतना सीवियर है माँ का कि वो पुश डाउन नहीं कर सकती हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराने में दिक्कत है, तो अवश्य हमें सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। अब आ जाती है बात कि मैम अगर हमें इन्फेक्शन हो तो कैसे पता चलेगा, हम कब आ सकते हैं। देखिए यह एक वायरल इन्फेक्शन है और इसमें जो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं आप सभी जानते हैं, जुकाम जैसे नज़ला होना, फीवर आना, तो 70-80% महिलाएं प्रेग्नेंट लेडीज़ में देखा है यह संक्रमण इतना सीवियर नहीं हुआ है वह, और जब कभी इतना सीवियर नहीं है तो आप इसको घर पर भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बेशक आप इसमें डॉक्टरी सलाह लें और घर पर ही अपने को सेल्फ आइसोलेशन में रखें। लेकिन कई बार हमने देखा है कि आपका फीवर सबसाइड नहीं कर रहा है, आपके इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, सांस लेने में दिक्कत है, अवश्य ही आपको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा, आपका टेस्ट किया जाएगा और प्रिकॉशन के साथ आपकी नॉर्मल डिलीवरी भी संभव है। इसलिए आपको इस संक्रमण से बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये आम फ्लू की तरह इन्फेक्शन है। लेकिन हाँ, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, कोई पुख्ता ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो हमें प्रिकॉशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मैं बताना चाहूँगी कि यह एक वायरल इन्फेक्शन है और जब कभी हमें वायरल इन्फेक्शन से बचना है तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, मास्क करना है, आपकी हाइजीन को मेंटेन करना है, इसके साथ साथ आपको अपना इम्यून रिस्पॉन्स भी अच्छा रखना है। और जब आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी तभी आप इस इन्फेक्शन से फाइट कर पाएंगी। इसको करने के लिए आपको कई बार हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम जो भी नेचुरल है जैसे जिंजर है, टर्मरिक है, हनी है, ये सब चीज़ें हम ले सकते हैं। डेफिनेटली आप इस जरूर से ले सकती हैं, इन चीज़ों में कोई लेने में आपकी बेबी पे भी कोई प्रभाव नहीं है ना आपकी, ये आपकी इम्यूनिटी को ही बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो भी हम आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं उनको आप नियमित रूप से लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल हैं, फ्रूट्स हैं, स्प्राउट्स हैं, नट्स, ये सब आपकी डाइट में सम्मिलित होना चाहिए जिसकी आपका इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ जाए। डाइट और इन सब की बात के साथ साथ जैसा कि आजकल लॉकडाउन है तो आप बाहर नहीं जा सकती हैं, तो घर में ही एक्सरसाइज कीजिए, योगा करिए, आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखना है। आपको बिल्कुल भी इस इन्फेक्शन को सोचकर पैनिक नहीं होना है और आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। और चूंकि हम जानते हैं कि अभी ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया है लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक की तरह आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब आप स्वस्थ रहेंगी तभी आपका बच्चा भी स्वस्थ रह सकता है। आपको इस इन्फेक्शन से, संक्रमण से बचना है और आपको सारे नियमों का पालन करते हुए आपको स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। और अब मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। थैंक यू सो मच।